हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आपने आलू के परांठे तो खाए होंगे। आज हम आपको चार तरीके से आलू के परांठे कैसे बनाए जाते हैं वो बताएंगे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंदेंगे। तो ये मैंने दो आम जो कटोरी घर में होती है बड़ी वाली आटा ले लिया। जितना आपने आटा चाहिए आप उसके हिसाब से, आम जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लेना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। एक चम्मच नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। दो कटोरी आटे में मेरा एक कटोरी पानी लग गया पूरा, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नरम नहीं गूंदना। अच्छी तरह से इसको आटे को गूंद लें। अब हम इसके ऊपर एक चम्मच देसी घी लगा देंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट बने और हमारी रोटियां भी कुरकुरी बने। हाथ से फैला लें घी को और इसको थोड़ा सा गूंद लें। थोड़ी देर आप इसको मुक्की मारेंगे, हाथ से गूंदेंगे तो देखिए आपका आटा बड़ा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। बस अब हम इसको सेट करने के लिए रख देंगे। आटे को ढक के किसी बर्तन से या फिर आप किसी कपड़े से ढक सकते हैं। इसके ऊपर हल्का सा घी से ग्रीस कर लें और 15-20 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें। तब तक हम आलू की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने चार आलू बॉयल किए हैं। आलू आप अगर पहले बॉयल के फ्रिज में रख देंगे तो वो ज़्यादा सही रहते हैं और परौंठे हमारे अच्छे बनते हैं। तो मैंने इसको 2-3 घंटे पहले आलू उबाल के रख लिए थे। अब ये आलूओं को छील के इसको कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेट कर लें, या आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, मैशर से भी मैश कर सकते हैं, जो आपको इजी वे लगता है। ये मैंने आलू सारे कद्दूकस कर लिए हैं और अब इसके लिए हम थोड़ा मसाला तैयार करेंगे। एक नॉनस्टिक पैन लेंगे या तवा लेंगे जिसके अंदर 2 चम्मच हम साबुत धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च साबुत और 1/2 चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे। 1/2 चम्मच अजवाइन इसको डाल के हम हल्का सा भून लेंगे, सिर्फ इसका मॉइस्चर निकालने तक। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगे तो गैस को बंद कर दें। अब हम इसको एक खरल में जिसमें आप इलायची वगैरह कूटते हैं उसमें डाल के इसको दरदरा कूट लेंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना हमने। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच अनारदाना पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच, मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं, नमक 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, इनको मिक्स कर लेंगे। आप तीखा खाना चाहते हैं अपने हिसाब से आप मिर्च और डाल सकते हैं। अब ये मसाला हम आलू में डाल देंगे सारा। इसके अंदर जो प्याज मैंने काट के रखा था बारीक बारीक, 1 प्याज, 2-3 हरी मिर्चें बारीक काट ली, अदरक को कद्दूकस कर लिया और हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैश कर लें ताकि मसाले मिक्स हो जाएं। ये हमारी स्टफिंग जो है ये तैयार होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं खा के, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नमक मिर्च मसाले कम है तो आप और डाल सकते हैं, पहले कम ही डालें तो अच्छा है। मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक और डाल दिया। बस अब इसको मिक्स करके हम रख लेंगे एक साइड पे। सबके घरों में आम तो परौंठे जो बनाए जाते हैं वो तो एक स्टफ वाला जो परौंठा बनाया जाता है एक पेड़े का। मैं आज आपको 4 तरह से परौंठे किस तरह से बनाए जा सकते हैं वो आपको दिखाऊंगी। अब ये आटा हमारा सेट हो गया, 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम एक आध बार थोड़ा मिक्स कर लेंगे हाथ से। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आटा कितना सॉफ्ट और कितना अच्छी तरह से मिक्स हो गया। बस अब इसको हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं और गैस पे मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम सबसे पहले ये मैंने घी, सूखा आटा, ये स्टफिंग और ये आटा है, सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख ली हैं। अब पहले हम एक पेड़ा जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उतना पेड़ा ले लें और इसको थोड़ा सा सूखे आटा लगा के इसकी एक दोनों हाथों से इस तरह अंगूठे से कटोरी सी बना ले इसकी। अब ये कटोरी बन गई। अब इसके अंदर हमने जितने आलू की स्टफिंग करनी है, मैंने एक गोल बॉल सा बना लिया इतना और उसको सूखे आटे से डिप किया है ताकि आलूओं के अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो वो उसको सेट कर लेगा और आलू बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इस तरह से इसको हम मिलाते रहेंगे अंगूठे से दबा दबा के और इस आटे को खींच के इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए
सारा आटा ऊपर से इकट्ठा कर लें, ऊपर से बंद करके जो नीचे दबाया हुआ हिस्सा है वो नीचे की साइड करके ऊपर से रोटी को बेल लेंगे। थोड़ा पहले हाथ से मैं इसको सारी साइड पे फैला लें ताकि आलू जो है सारी साइड मिक्स हो जाएंगे और अंदर आलू सेट भी हो जाएंगे। जितनी आप हाथ से कर सकते हैं कर लें। और अब हल्के हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे, जितनी मोटाई आपने रखनी है उसके हिसाब से आप इसको बेल लें। परौंठा थोड़ा सा तो हैवी होता है, रोटी से थोड़ा सा मोटा ही बनता है। अब हम तवे के ऊपर इसको डाल देंगे और हल्का सा इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं। अब एक साइड पे देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया बस रोटी का, हमने इसको पलट दिया। अब इसके ऊपर अभी हम इसके ऊपर घी लगा देंगे ताकि हमारा जो परौंठा है वो कुरकुरा बने। देसी घी लगाना है हमने, देसी घी से परौंठे का स्वाद अलग आता है। बाकी आप अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको पलट देंगे, ये देखिए दूसरी साइड हल्के हल्के ब्राउन निशान आने शुरू हो गए हैं। बस हम अब इस साइड भी इसको घी लगा देंगे। दोनों साइड से हमने इसको पका लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा परौंठा कितना बढ़िया बन गया है, जितना कुरकुरा करना है आप उतना कर लें। ये देखिए हल्का हल्का हाथ से पुश कर रहे हैं तो ये परौंठा कितना बढ़िया फ्राई हो रहा है। अब हम इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अब एक और परौंठा बनाते हैं, जैसे हम पूड़ी की तरह छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं तो छोटे पेड़े बना लेंगे बिल्कुल। अब इसको भी डिप करके इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा फैला लेंगे और फिर इसको बेल लेंगे पूड़ी की तरह। दोनों पेड़ों की गुलाई एक जैसी होनी चाहिए, जहाँ तक हो सकता है बराबर ही रखें। इसी तरह से हम दूसरा भी पेड़ा बेल लेंगे। अब ये देखिए दोनों पूड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आपने इतनी भरनी है जो कि इसके किनारे जो हैं थोड़े खाली रहें ताकि उसको हम दबा सकें। और हाथ से इस तरह फैला लें, थोड़ा सा ऊपर सूखा आटा लगा देंगे। दूसरी जो पूड़ी बनाई है हमने उसको भी उसके ऊपर रख के उसके किनारों को मिला लेंगे सारे। हाथ से अच्छी तरह दबा दें किनारों को, किनारे हमारे अच्छी तरह से सील हो गए हैं। इसको भी सूखे आटे से डिप करके इसको हम वैसे ही बेल लेंगे। अब इसको भी हमने वैसे ही बनाना है, बस बनाने का तरीका अलग था कि दो पेड़ों में बनाया है, बाकी हमने फ्राई इसको वैसे ही करना है जैसे हमने पहले परौंठा किया है। बस इसको भी पलट दिया हमने, हल्का सा कलर चेंज हो गया, इसके ऊपर भी वैसे घी लगा के इसको फ्राई कर लेंगे जैसे हमने पहले परौंठा फ्राई किया है। ये भी देखिए हमारा परौंठा बनके तैयार हो गया, इसको भी हम अलग निकाल के रख लेंगे। तो ये हमारा सेकंड टाइप परौंठा हो गया, इसको भी हमने वैसे ही फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको तंदूर का परौंठा, आप घर में तंदूर तो होते नहीं है, आलू वाला परौंठा खाने का दिल करता है तो तंदूर पे कैसे बनाया जाता है वो भी मैं तवे पे आपको बना के दिखाऊंगी। अब ये एक पेड़ा लिया, इसको भी हमने डिप करके इसी तरह से पहले जैसे स्टफिंग भरी थी इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे। ये तंदूरी परौंठा है, इसका अपना अलग ही स्वाद होता है। इसको अचार, मक्खन, दही किसी के साथ भी आप खाएं तो बहुत स्वाद लगता है। इसमें भी आलू भर लिए मैंने और इस तरह से सेम पहले जैसे बनाया था वैसे किनारों को जोड़ लेंगे इकट्ठा खींच के और इसको बेल देंगे। थोड़ा सा इसको मोटा बेलना है। अब इसके ऊपर हल्का सा हम हरा धनिया डाल देंगे, ऑप्शनल है वैसे ही, अगर है तो डाल दो नहीं तो नहीं। हल्के से हाथ से इसको बेलन से दबा दें ताकि वो सेट हो जाए, सारे धनिया जो है रोटी में सेट हो जाए। अब इसको उठाएंगे हल्के से हाथ से और दूसरी साइड पे सारी साइड पानी लगा देना है, सारे पासे लगाना है पानी, सारी तरफ किनारों में भी। और इसको हम तवे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसके लिए मैंने ये देखिए लोहे का तवा लिया है, मैंने नॉनस्टिक नहीं लिया क्योंकि नॉनस्टिक पे चिपकती ना रोटी तो फिर गिर जाती पलटने से, तो इसके लिए मैंने लोहे का तवा लिया है जिसमें हम रोई रोटी बनाते हैं। अब इसको हल्का सा कलर चेंज आने दे और नीचे से थोड़ी सी पक जाए, बस ये हल्की हल्के देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। बस अब हम इसको पलट देंगे तवे को और गैस के ऊपर इसको पकाएंगे। इस तरह से सारी साइड घुमा घुमा के इसको हमने पका लेना है। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे आप तंदूर का परौंठा खा रहे हैं, आलू वाला तंदूर का परौंठा। ये देखिए सारी साइड घुमा घुमा के हमने इसको सेक लिया है, अच्छी तरह से पक गया। अब चाकू की सहायता से अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा हल्का सा निकाल लें, इसको चिपक गई है तो
इसको पलट के देख लेते हैं, हमारी रोटी दूसरी साइड से पक गई। वाह, देखिए बिल्कुल टेक्सचर आया तंदूर की रोटी जैसा ही। अब इसको अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा और सेक लें गैस के ऊपर, तो आप सेक सकते हैं। हाँ, ये भी हमारा तंदूरी आलू वाला परांठा बन के तैयार हो गया है। अब हम चौथा तरीका आपको बताते हैं, फोर्थ टाइप। इसमें हमने थोड़ा पेड़ा बड़ा ले लेना है। इसकी रोटी, एक पतली रोटी बड़ी सी बेल लेनी है हमने। शेप कोई भी हो, थोड़ी ओवल शेप हो तो ज़्यादा बेटर है। अब इसके ऊपर घी लगा लें, देसी घी, अच्छी तरह सारे किनारों तक लगा लेना अपने घी। एक चम्मच के करीब घी लगा लें अच्छी तरह, और इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको, अब इसको हल्के हाथों से दबा के एक इसका रोल सा बना लेना आपने। ये हमारा रोल बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको हाथ से और आप घुमा दें ताकि ये अच्छी तरह इस तरह से सेट हो जाए। अब इसके किनारे साइडों से काट देंगे, दोनों साइड से। ये देखिए, ये हमारी लेयर्स, ये लेयर परांठा बनता है, जिसको आप आलू वाला लच्छा परांठा भी कह सकते हैं। बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। ये देखिए, दोनों साइड आपको लेयर्स दिख रही हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आपने हाथ से इसकी लेयर्स खोलनी है बीच में से। ये देखिए, मैं एक बार फिर दिखा रही, ये हल्के हल्के हाथ से आप खोलेंगे तो वो लेयर्स खुल जाएंगी। और इस तरह से ये छोटी सी लोइयाँ बना ली हैं। अब ये हमारी लोई थोड़ी छोटी है, तो हम एक के ऊपर एक लोई रख देंगे ताकि इसकी लेयर्स और बढ़िया तैयार हों। और इस तरह से इसको फैला फैला के हमने पेड़े बनाने हैं इसके, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाने। अब ये हमारे देखिए, ये दो दो परौंठे बन जाएंगे इसके। अब इनको हम सेट होने के लिए अभी रख देंगे 10 मिनट के लिए, कपड़े से ढक के, ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो अच्छी तरह सेट हो जाएं। अब ये इस तरह से, मैं इनका पेड़ा छोटा था थोड़ा, तो मैंने एक के ऊपर एक पेड़ा रख लिया। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से किनारों से दबा दिया, एक तो इसमें लेयर्स आएंगी बढ़िया। और वैसे ही इसको पूड़ी की तरह हमने बेल लेना हल्के हाथ से, और लेयर्स भी डबल आएंगी इसमें। दो दो पेड़े इकट्ठे रख के हमने इसको बेलना है। बस ये दोनों देख लें जैसे पेड़े हैं। अब इसके अंदर भी हम आलू की स्टफिंग कर देंगे, वो थोड़े से किनारे साइड पे खाली रखें ताकि इसको हम दबा सकें, आलू बाहर ना निकले। इस तरह हाथ से दबा दें, लेयर्स वाली साइड ऊपर रख दें, अच्छी तरह से किनारों को दबा दें। और हल्के हाथ से हमने बेलना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। थोड़ा सा सूखा आटा अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप लगा सकते हैं। जैसे हमने पहले पकाए थे परौंठे, ऐसे ही इसको पका लेंगे। ये पकने के बाद आपको पता चलेगा कि लेयर्स इसकी कैसे आती हैं। बड़ी खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट परौंठी बन के तैयार होती है ये वाली, आप ज़रूर इसको बनाना। अब ये हल्का सा कलर चेंज हो गया, बस अब हम इसको पलट देंगे और इसके ऊपर इसको देसी घी लगा के इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको पलट लें और दूसरी साइड भी इसी तरह से घी लगा दें और कुरकुरी होने तक इसको पकाएं। बस ये भी बन गई हमारी। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए 2-3 मिनट के बाद इसको हम फिर दिखाते हैं आपको कि इसके लेयर्स दिखो, इस तरह से इसको कितनी कुरकुरा बना है। ये देखिए, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, बहुत ही खस्ता परौंठा बन के तैयार हुआ है ये। तो ये हमारे 4 तरह के आलू के भरवा परौंठे बन के तैयार हो गए हैं। आप ये तंदूर वाले परौंठे को आप घी या मक्खन लगा के इसको सर्व कर सकते हैं। ये मेरे 4 तरह के आलू के परौंठे बन के तैयार हो गए हैं, जिसको आप मक्खन और अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये आलू परौंठा की रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।